खेला होगा, इस बार खेला होगा, बढ़िया खेला होगा। आज फिर वो लोग हमारे पीछे लगे हैं, विरोधी पार्टी लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, कि हम फिर से क्या नाम है ये सब मतलब किसी का बी टीम है। तो हमारा सवाल ये है, जब हम बी टीम रहते हैं तो अपना चुनाव क्यों छोड़ते हैं? बंटी अंसारी बहुत बड़ा अपराधी है, क्या अपराध कर दिया बंटी अंसारी? कोई केस में सजा है उसे क्या? छोड़ दीजिए, आज हमने एक वीडियो पर देख रहा कि वो लोग पैसा दे करके एक वीडियो चैनल से हमारे बेटा के बारे में, मेरे बारे में भी प्रचार कर रहा था। हम आपके माध्यम से जनता, यदि किसी का सवाल है हमारे व्यक्तित्व के बारे में या मेरे बेटा के व्यक्तित्व के बारे में या मेरे करेक्टर के बारे में या मेरे परिवार के बारे में, सीधा सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। बंटी अंसारी का वीडियो चलाइए, रुस्तम अंसारी का वीडियो चलाइए, लेकिन उस वीडियो में कैंची 20 तारीख को चली। वो साइबर क्राइमर है, उनको ये बात पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम में बाइज्जत बरी होने हम हो रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अमन सिंह के मामला में भी हमको जेल भेजा था पुलिस, उसमें भी क्लीन चिट कोड दे दिया सारा केस। बाकी मेरा बेटा पर केस है, वो है स्टूडेंट यूनियन का। तो आप बताइए कि ये राजनीति के तहत केस हुआ? बैठ जाना मेरे साथ 5 मिनट टॉकिंग में। जितने धनबाद जिले के जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पार्टी को 5 मिनट बैठ जाए। मुसलमान आके मंदिर में बैठता है और हिंदू मस्जिद में बैठता है। अनेकों मुद्दे को छेड़े हैं इन्होंने। चुनाव लड़ जाए तो इनका समर्थन कर रहे हैं, नहीं लड़ जाए तो उनका समर्थन कर रहे हैं। भाई बात ऐसा है ना कि मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है। हमारे फादर 28 मैंने आजीवन मुखिया रहे हैं और मैं उनसे दो चीज सीखा हूँ, सामाजिक काम करना। नेता बनने का मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही राजनीतिक हमको आता है। हम दिल से काम करते हैं, चूंकि मैं गीता पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा हूँ, कुरान को भी जानता है, तीनों से मिला करके एक बात छन के आती है, ईश्वर को सबसे ज्यादा कोई इबादत पसंद है तो खिदमत खल्क, मानव सेवा, ये मेरा परमो धर्म है। वही सोच के मैं काम करता हूँ, गरीब के देख कर दुखी हो जाते हैं हम, मेरा अपना सोच यही है। आज भी मैं सुबह से लेकर 24 मैंने जितना देर हम जगह रहते हैं उसमें मैंने 75% समय हम समाज को देते हैं, 25% अपने रोटी कमाने के लिए हम समय निकालते हैं। मुद्दा झरिया में एक नहीं अनेक मुद्दा है, गिनाएंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। फिर भी जो मुख्य मुद्दा है, ग्रामीण यहाँ पर जो 1932 खतियान के हैं, उनकी बहुत सी सारी जमीनें ने BCCLA और भी कंपनी हड़प लिया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, झरिया मानचित्र में बाहर के दूसरे स्टेट के लोग जब आते थे तो घर में बोल के आते थे झरिया जा रहे धनबाद नहीं, तो लोग झरिया के नाम से प्रसिद्ध, आज उसी झरिया को टापू बन गया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है यहाँ का जनप्रतिनिधि का टापू बनाने में। उन लोगों को खाली सिर्फ छलावा करते हैं, वोट के टाइम वोट मांगते हैं, फिर 5 साल गायब जाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है कभी रहता नहीं झरिया फील्ड में, तो जो झरिया में नहीं रहता झरिया का दुख क्या जाने की, पानी का क्या कष्ट है, पोल्यूशन कितना खतरनाक है, यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है यहाँ पर। तो देखिए, विधायक या सांसद बन करके रोड नली गली बना देना ये उसकी काम नहीं है, क्योंकि धनबाद शहरी क्षेत्र में नगर निगम काम कर रहा है, नली बनाना, रोड बनाना, गली बनाना, वो माननीय पार्षदों का काम है, ये काम विधायक का थोड़े है। विधायक का काम है मूल जटिल समस्या को समाधान करना, जैसे बेरोजगारी, आज महिला भी बेरोजगार है, युवा भी बेरोजगार है, उसके प्रति कोई काम नहीं हुआ। आज पोल्यूशन इतनी अधिक है कि झरिया विधानसभा में कम से कम आज जांच करिए तो 70-80% को अस्थमा का बीमारी हो गया है, ठीक है। जितना भी माइंस चल रहा है कोई सिस्टम से नहीं चल रहा, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, ना पोल्यूशन का फॉलो कर रहा रूल, ना माइनिंग का फॉलो कर रहा रूल, क्योंकि वो सब जनप्रतिनिधि को खरीद लिया लो। तो जनप्रतिनिधि खुद का जब अपना ठेकेदारी या आउटसोर्सिंग करने लगेगा तो उस देश का क्या हाल होगा? तो ये सब अनेक मुद्दा है, एक नहीं मुद्दा है। और भगवान ने चाहा, यदि हमको आप यहाँ की जनता चाहती है रुस्तम अंसारी को हम यदि वोट करें तो मेरा चुनाव चिन्ह है कैंची छाप, EVM में 5 नंबर पर है। यदि आप जिताते हैं तो हम वादा करते हैं आपके हर समस्या को निदान हम करेंगे, और जब तक समस्या निदान नहीं होगा दूसरा काम नहीं पकड़ेंगे। ये हमारी सोच है और हमारे ये ग्रामीण एकता मंच के लोग हमारे बात पर इनको अच्छे लगा, सोचे कि क्या नाम रुस्तम जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और समाज में कुछ करना चाहते हैं, इनके पास विजन है तो हम इनके साथ दे रहे हैं, और इनके इन लोगों के आने से हमारी शक्ति और दोगुनी हो गई। ऐसा है ना कि कांग्रेस की सत्ता झरिया में कभी नहीं रही। 2014 में हम चुनाव लड़े तो हमको लोगों ने जो उस पार्टी के था वो लोग हल्ला उड़ाया कि मैं सिंह मेंशन का भाजपा का सपोर्टर हूँ, ठीक है।
मैंने चुनाव लड़ा कस के हमको 20,000 वोट आया। यदि हम सिंह मेंशन के सपोर्टर रहते तो 2019 की चुनाव हमने छोड़ा, हमने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह को हमने टिकट दिलवाया और उसको जिताने का काम किया। पहली बार मेरा द्वारा वो जिताया हुआ आदमी था। हमने सोचा कि हमसे बेहतर कैंडिडेट होंगे और झरिया की सेवा करेंगे, लेकिन वो सबसे भ्रष्ट निकली। तब हमको मजबूरी बस फिर से जनता के कहने पर हमने चुनाव करने किया, ठीक है। आज हम चुनाव में हैं, जेएलके मेरी पार्टी है। दूसरी बात, विरोधियों के पास एक हथकंडा है कैसे लोगों को बदनाम कर दे। आज फिर वो लोग हमारे पीछे लगे हैं, विरोधी पार्टी लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, कि हम फिर से क्या नाम है ये सब मतलब किसी का बी टीम है। तो हमारा सवाल ये है, जब हम बी टीम रहते तो अपना चुनाव क्यों छोड़ते 2019 का, और कांग्रेस को क्यों हम जिताते? वही कांग्रेस कल भी बोलती थी, आज भी बोल रही है बी टीम है। तो क्या यहाँ मध्यम परिवार के लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसका काम करने का अधिकार नहीं है? वो छोड़ दीजिए। आज हमने एक वीडियो पर देख रहा कि वो लोग पैसा दे करके एक वीडियो चैनल से हमारे बेटा के बारे में, मेरे बारे में भी प्रचार कर रहा था। हम आपके माध्यम से जनता से कहना चाहते हैं कि मान्य हमारे जो भी वोटर है या जनता झरिया के धनबाद के हैं, मुझ पर या मेरे पर राजनीति के तहत केस कराया गया। अभी हमने पढ़ रहा था कि मेरे बेटे पर मैंने ये कहा गया कि वो साइबर क्राइमर है। उनको ये बात पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम में बाइज्जत बरी होने हम हो रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अमन सिंह के मामला में भी हमको जेल भेजा था पुलिस, उसमें भी क्लीन चिट कोड दे दिया। सारा केस बाकी मेरा बेटा पर केस है, वो है स्टूडेंट यूनियन का। तो आप बताइए कि ये राजनीति के तहत केस हुआ? माननीय जो टीवी वाले दिखा रहे हैं उनको इतना भी भगवान ज्ञान नहीं दिया है कि कम से कम यदि कोई रिपोर्ट आया तो हमसे भी पूछे, उसकी सच्चाई जान रहे हैं। वो लोग पैसे पर बिके हुए आदमी है, अब पैसा लेकर के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। उनको तो घबराहट हो गई है, वो कहीं नहीं है चुनाव में। चुनाव में एक नंबर में हम जा रहे हैं, हमारे पास सारे वर्ग को, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग हमारे साथ हैं। इस बार इंसानियत की गंगा बहेगी, ना कोई जात का गंगा बहेगा, ना कोई पात का गंगा बहेगा। झरिया विधानसभा में सारे लोग जान रहे हैं कि दोनों लोग एक ही परिवार का है, चित उन्हीं का, पट उन्हीं का। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम है और कुछ नहीं है। जनता भी जानती है इस बार बदलाव देखिएगा। इस बार झरिया विधानसभा में खेला होगा, बढ़िया खेला होगा। मेरा चुनाव चिन्ह ईवीएम में 5 नंबर पर है, उसी के सामने बटन है, वहां मेरा कैंची छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह है। उसको वोट देकर मेरा मैंने आपके चैनल से सादर अमन मैंने हम प्रार्थना करते हैं, एक बार मुझे मौका दें, देखें कि आपके लिए रुस्तम भाई है कि नहीं है। दूसरी बात, मेरा एक बात कहना है, झरिया बाजार में कोई रहता नहीं, झरिया शहर में, झरिया विधानसभा में कोई रहता नहीं जनप्रतिनिधि, धनबाद रहता है। उसको क्या पता है पानी का दुख क्या होता है? उसको क्या पता है कि पोल्यूशन का दुख क्या होता है? उसको कोई पता नहीं। हमारे घर में पानी जाएगा तो जनता घर में पानी जाएगा, या जनता घर में पानी जाएगा तो मेरे घर में, तो हमको पता है ना कि पानी का दुख क्या होता है? तो पानी की लड़ाई हम लड़ेंगे, वो क्या जानते हैं, ठीक है। बाहर मैंने धनबाद के तो है नहीं, पोल्यूशन हम खाते थे, हमको पोल्यूशन का मतलब समझ में आता है। देखिए, विधायक का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, विधायक का मुद्दा होना चाहिए मैंने 24 आवर्स पानी, विधायक का मुद्दा होना चाहिए 24 आवर्स बिजली, साफ साफ बात है। पोल्यूशन को किसी कीमत पर नहीं आना जाना चाहिए, कोलरी चले चाहे नहीं चले, क्योंकि जीवन नहीं है तो कोलरी करके कोयला निकाल कर क्या फायदा, ठीक है। विस्थापन का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, यहाँ से विस्थापन करके झरिया विधानसभा से लोगों को बेलगड़िया बसाया गया है। एक अच्छा परिवार यदि हम माननीय डीसी से कहेंगे एक दिन रह करके दिखा दें, हम धनबाद छोड़ देंगे। तो जब आप नहीं रह सकते तो एक आम जनता कैसे रह सकता है? बहुत सा समस्या है भैया, झरिया में कभी कोई मुद्दा के लेके काम ही नहीं किया लोग, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, पेट ही नहीं अपना घर भरने के लिए काम हुआ है, सीधी सी बात है। दूसरा बात, 1932 हथियार का मामला भी उठाया हम, तो एक नहीं कह रहे ना कि हमसे लोग पूछा कि कितना मुद्दा, हमने मुद्दा गिनाएगा तो 2 घंटा लगेगा। तो हमको सब मुद्दा पर काम करना है और हम जान रहे हैं कि आज हम सबसे आगे चल रहे हैं, तो मेरा पैर खींचने के लिए एक से एक डंडा विपक्षी लगाएंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी का सवाल है हमारे व्यक्तित्व के बारे में, या मेरे बेटा के व्यक्तित्व के बारे में, या मेरे कैरेक्टर के बारे में, या मेरे परिवार के बारे में, सीधा सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा और पूर्व के साथ जवाब दूंगा। हमारा बेटा को बाइज्जत बरी किया गया, ये भी आपको दिखाएंगे। मैंने जब कोई केस ही नहीं बनता है तो जबरदस्ती फंसाया जाता है, तो वहां तो मैंने रिहाई होता ही है। देखिए,
2019 में हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और धनबाद विधानसभा में लगभग सभी प्रत्याशी मैदान में थे, सभी दल के प्रत्याशी थे। अगर देखा जाए तो मात्र 10 दिन के फील्डिंग में हम तीसरे नंबर पे थे। राज सिन्हा विनर थे, उसके बाद मनान मलिक था, उसके बाद बबलू सिंह। तो बबलू सिंह ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले 1000 काम किया है, एक दो काम नहीं किया, 1000 काम किया। गूगल में आप बोलिए रंजीत सिंह और बबलू सिंह, अनेकों नजर आएंगे। हाई कोर्ट में हमने 5 जनहित याचिका दायर किया है और 3 पर अभी सुनवाई चल रही। अगर झरिया धनबाद में अगर कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं तो वो ग्रामीण एकता मंच का देन है। बात रही रुस्तम अंसारी का मदद करने के लिए, तो झरिया तो टापू बन गया है, झरिया बचा कहां है? झरिया को बचाने वाले झरिया उजाड़ रहे हैं, झरिया पे लास्ट पे मेरा झरिया हटेगा, झरिया बचा कहां है? झरिया बाजार बचा हुआ है, थोड़ा सा बाजार। पूरे एरिया चारों साइड देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयला निकालकर इसको बंजर बना दी गई है। और ये कौन चला रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियां? जनप्रतिनिधि ओपनिंग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार ओपनिंग कर रहे हैं। क्या झरिया की जनता इसके लिए वोट दिया था कि आप आउटसोर्सिंग चलाएं? धनबाद में रहने वाले का 5 साल आयु कम हो चुका है। मैं इस जिस जगह मीटिंग हो रहा, यहां से लेकर शिमला बाहर तक हमने नगर निगम को लिखा था पत्र, और उसके बाद ये स्थल की निगम के द्वारा जांच हुई यहां से शिमला बाहर तक का, उसका सफाई चालू हुआ। लेकिन ये जो घर घराने आते हैं, इनकी राजनीति के चलते दबाव बनाकर नगर निगम पर उस काम को बंद करा दिया गया। अब मैंने पहले ही नगर निगम को चेताया था कि आपके द्वारा अगर काम ये रोड की सफाई नहीं की गई तो हम माननीय उच्च न्यायालय में आपको पार्टी बना देंगे। और अपने प्रदूषण के मामले में हमने जनहित याचिका में नगर निगम को पार्टी बनाया और सुनवाई हुई है, उसमें निगम को बोला फाइल करने के लिए। अभी जो ये सड़कें थोड़ी सी साफ नजर आ रही है यहां पर, क्या इस जगह से पार हो जाते थे आप लोग? मैंने यहां खड़ा होके जांच करा के, हमने झरिया के लिए भी काम किया है, हमने 25 किलोमीटर पद यात्रा धनबाद को हरा भरा और धनबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए काम किया है। इस सड़क से मेरे जाने की मकसद थी कि लोगों को जगाना, हमने झरिया के लोगों को जगाया। उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे झरिया की जनता, प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जब वो धनबाद से आके 25 किलोमीटर पैदल चलकर इतना हम लोगों के लिए कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बात रही रुस्तम अंसारी जी की, तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये पार्षद रहे हैं और पूरे पार्षद एकता मंच बना के उसका प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अनेकों मुद्दे को छेड़े हैं इन्होंने, चुनाव लड़ जाए तो इनका समर्थन कर रहे हैं, नहीं लड़ जाए तो उनका समर्थन कर रहे हैं, ये क्या बात हुआ? तो ये जो है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे व्यक्तिगत हैं, अच्छे आदमी हैं, इसलिए ग्रामीण एकता मंच इनको समर्थन करने आया। और ग्रामीण एकता मंच के झरिया विधानसभा में बहुत मजबूत है, वह चुनाव प्रचार अभी जब ग्रामीण एकता मंच उतरेगा तो आप देखिएगा चुनाव प्रचार में कैसे घर घर हम लोग घूमते हैं। हम पूरे साइकिल चला के झरिया, जब हम 25 किलोमीटर पद यात्रा करके झरिया आ सकते हैं तो हम पूरे साइकिल से झरिया का हम भ्रमण कर सकते हैं। तो इनसे एक उम्मीद झरिया के लोगों को भी जागना चाहिए, जाति धर्म क्या होता है। हम 25 साल से हनुमान मंदिर, हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, अभी बहुत धूमधाम से 25वां वर्षगांठ मनाए, तो उसका नेव एक जद्दू मियां रखे थे, वो गीलन से पानी लाते थे, मंदिर को धोते थे और पोछते थे। कोई भी पूजा पर्व होता है, चलिए मेरे जहां रहते हैं हम हिंदू मुस्लिम क्या होता है वहां पता नहीं चलेगा, मुसलमान आके मंदिर में बैठता है और हिंदू मस्जिद में बैठता है। उस माहौल से हम आए हैं, जात के नाम पे आप तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा था, पुत्र क्या कर दिया, 5 को केस है, यहां सांसद को सजा हो गया, वो बन गए सांसद। बंटी अंसारी बहुत बड़ा अपराधी है, क्या अपराध कर दिया बंटी अंसारी? कोई केस में सजा है उसे क्या? किस मुकदमे में, किस केस नंबर में उनको सजा हुआ है? अमन सिंह के मामले बहुत हाईलाइटेड हुए कि उसमें अभियुक्त बनाया गया,
फाइनल रिपोर्ट उसका उठा के देखिए, उसमें बाइज्जत बरी किया गया है चार सीट में। तो एक दबाव बनाने का इन पर पुरजोर कोशिश हो रहा कि धनबाद में जब ये 18,000 वोट लाए थे और टाइगर जयराम महतो झारखंड में बोल रहा, जयराम महतो की आवाज गूंज रही, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता उनके टिकट के लिए दरवाजे पर लाइन लगाए हुए हैं। और चुनाव ऐसा चीज है कि हाथी को चींटी त्रस्त कर देता है। 5 नंबर में अगर झरिया की जनता ने कैंची छाप पे 20 तारीख को बटन दबाया तो रुस्तम अंसारी इतिहास लिखेगा झरिया में। क्या आपने मुख्यमंत्री को हारते नहीं देखा है? राजा पीटर ने उन्हें हराया था। क्या पावर का कमी था, क्या पैसा का कमी था? तो इसलिए कोई असंभव ग्रामीण एकता मंच किसी चीज को असंभव नहीं देखता है। कल हमने एसपी को पत्र भी लिखा है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें बॉडी गार्ड दिया जाए। ग्रामीण एकता मंच के लिए माननीय उच्च न्यायालय में हमने रिट दायर किया था, डीसी और एसपी दोनों पार्टी बने थे हाईकोर्ट में। उसके बाद हमको रिवॉल्वर की लाइसेंस दी गई थी, वो चुनाव के समय जमा है। हम बोले कि हमें झरिया भी प्रचार में जाना है, धनबाद भी जाना, तत्काल हमें बॉडी गार्ड उपलब्ध कराया जाए। वो जो कराए बाकी ऊपर वाला है, जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा। इस बार जितने लोग हैं उस पर कैंची चलेगा, उस पर कैंची चलेगा। और भरपूर प्रयास रहेगा कि रुस्तम भाई को जिताएं और झरिया को बचाएं। झरिया में रहने वाले पूरे धनबाद में 5 साल आयु कम हो गया, ये लोग कम करेंगे क्या? आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, डीजीएमएस का एक भी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं क्या? बैठ जाना मेरे साथ 5 मिनट टॉकिंग में। जितने धनबाद जिले के जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पार्टी को 5 मिनट बैठ जाए। 5-5 जनहित याचिका दायर किया हूं और किसी से चवन्नी नहीं लेता हूं, पॉकेट के खर्चा से। और जो हमारे साथ आए हैं वो मजदूर हैं, कोई कपड़ा दुकान में काम करते हैं, कोई ठेला चलाते हैं, कोई राशन बेचते हैं, कोई 8,000 का ड्यूटी करता है, कोई 9,000 का ड्यूटी करता है। संडे का दिन मेरा कार्यक्रम रखने के रहा कि ये लोग कभी काम नागा ना हो। और हम झरिया घूमेंगे, जबरदस्त घूमेंगे। आप बंटी अंसारी का वीडियो चलाइए, रुस्तम अंसारी का वीडियो चलाइए, लेकिन उस वीडियो में कैंची 20 तारीख को चलेगा।